क्या परेशानी लेके आई हो? परेशानी लेके आए, बेटा के शादी किए तो कन्या पॉइजन खा के एक्सपायर कर गई। कहो कहो। कन्या मर गई है पॉइजन खांसी लगा के, जहर खा के। अच्छा जहर। उसका गार्जियन डोरिया डेट पर केस लगा दिया। केस लगा दिया, कब की बात है ये? 11 का है? 11 का 2011 का। अच्छा, गुरु जी 2011। हाँ 11 का, कि 1.5 लाख रुपया के चलते लोग 5 गो आदमी मिल के मेरे बेटी को तकिया से चाप के मार दिया। अच्छा, तुम्हारे बच्चे को मार दिया? बहू को। किसने मार दिया? हम लोग पर केस लगाया, बहू के माए बाप। अच्छा, झूठा लगा दिया? हाँ, झूठा एग्जाम लगा के केस कर दिया। अब हमने क्या लिखा सुनो मैया, तो आप हिंदी आती है आपको? हाँ, हिंदी पढ़ पाओगी? हाँ पढ़ लेते। क्या लिखा बताओ? नहीं पढ़ पाओगी लग रहा, नहीं पढ़ पा रही हो। हमने लिखा है आपके घर में प्रेत बाधा है, ब्लड कैंसर द्वारा निक्की कुमारी मरी 1993 में। हाँ। वही भूत योनि में है। हाँ। उसी ने ही अपनी भाभी को मार डाला। हाँ। उसका ही दिमाग घुमा दिया है बच्ची ने, आपकी बहू ने। हाँ। पॉइजन खा लिया है। जी। नितेश कुमार की स्त्री मरी है। आपका बालक जब से शराब पीता रहा, पीता तो लगा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, ये चल रहा है, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। और आपकी जो निक्की मरी है वो भूत योनि में है, और जो बहू मरी है वो निक्की ने उसको दिमाग घुसा दिया है, इसलिए वो भूत बाधा के कारण से उसके दिमाग में चला और उसने फांसी, उसने पॉइजन खा करके अपने आप को क्षति पहुंचा ली है। सुनो मेरी बात, अच्छे सुनो। ब्रेन हेमरेज द्वारा आपके पति भी मरे थे। बोलो हाँ ना? 2004 में। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मोड़ी जो 1993 में मृत्यु हुई है, वह बच्ची भूत योनि में आ गई है, और उसके कारण से तुम्हारे घर में जो घटना घट रही है, पति की मृत्यु होना, बहू का मरना, दिमाग को चाटन होकर के पॉइजन खाना, जी। तो व्याधि के कारण से दिमाग डिस्टर्ब। लेकिन जिसकी मोड़ी मरेगी वो तो केस करेगा। जिसके घर में 4 दिन नहीं बहे वो शादी के, और शादी के बाद चार चौथे या पांचवें दिन मर गई है वो। बोलो है ना? 23 के। 11 को शादी था, 23 के पॉइजन खा ली। 11 की शादी थी, 23 को पॉइजन खा ली, और 11 तारीख की। हाँ 11 तारीख, और 23 को मर गई। हाँ 11 जून का शादी था उसका, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो इसे 4 दिन ही कहा जाता। हाँ। महीना भी नहीं बीता। तो इसका मतलब है माइंड डिप्रेशन, तनाव, साइकोलॉजिकल व्याधि के कारण से आप्रो, जिसके कारण घर में मृत्यु हुई, यह व्याधि है। व्याधि हनुमान जी की सहायता से अब घटना नहीं घटेगी, सजा मुक्त होंगे, राजीनामा हो जाएगा। पैसे जो मांग रहे हैं, नहीं कर रहा है, मेरी बात सुनो, मांग रहे हैं लेकिन अभी ये मांगेंगे नहीं। ये 10-10 लाख रुपए मांगने की इच्छा रख रहे हैं। आप तो ये मान के चलना ये 0 में निपटेगा, घबराना नहीं, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद है। बेटा क्या परेशानी, क्या समस्या लेके आए? मुझे हाथ पैर में दर्द ज्यादा है, समस्या रहती है, शक्ति जो आती है, शक्ति आती है खुल के नहीं आ रही वो। अच्छा चलिए, आंखें बंद करिए। आभान एकदम तेज़ है। शांत हट। बहुत बढ़िया, मैंने लिखा सुने, पढ़े लिखे हैं। हाँ। हमने लिखा खाती बाबा की सवारी आती है, तत्काल ही लाभ होगा और दरबार चलेगा, अभी होश रहता है, गंदे चक्रों में ना पड़े, किसी शादीशुदा औरत के साथ जो समागम किया है या उसकी चक्कर में पड़े रहे हैं, इस चक्कर में आपकी बाधा, आपकी शक्ति रुक गई है, नहीं तो अभी तक तो आप बहुत बड़ा दरबार चला रहे होते, बहुत बड़ा स्थान चल रहा होता आपका, इसलिए सुधार करिए और हनुमान पंचकाली प्रार्थना करें, और खूब अच्छा मेला लगेगा, पंडों का सका कृपा करें।